कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि घर वाले अगर पराए समझे तो घर छोड़ देना चाहिए। बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया है। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये मालूम नहीं, पहले तो अपना वो डीएनए चेक कराएं, वो कहां के हैं, किस पार्टी के हैं। वो तो फ्रीलांसर थे कुछ साल पहले, 97-98 गवर्नमेंट में वो किस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे एज मुलाजम, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, किसकी मुलाजम थे वो, तो उनका डीएनए चेक करें कि किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा। जो हाउस में बैठ कर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी, दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके बीच में एक्सचेंज होता था, वो हमारा डीएनए चेंज करे। सबसे ज़्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, है जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत सर। सुनो, बोलने दीजिए भैया, ये आप भी तो कर सकते हो, ये चीज है तो सबके लिए। बोलिए सर। तो वो हम पर आरोप लगाएं सामने कैमरा है, हाँ। और सब कोई दूसरा कांग्रेसी जिसने हमारे साथ काम किया है तो इसलिए। और मैं ये कह रहा था कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने मोदी साहब की एक स्पीच देखी, और अगर किसी को इतना अनपढ़ और जाहिल है कि उस स्पीच के कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। तो मनमटाव हुआ, उसके बाद नाराजगी इतनी बढ़ी कि बात इस्तीफे तक आई है, और अब वो निशाने पर कांग्रेस पार्टी और उनके लिए गए फैसलों पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो लोग ट्वीट करते थे उनको पद पर अगर आप बैठा देते हैं तो ऐसे में समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ रही है।